हेलो व्हाट्सअप गाइस मैंने विस्पिनोद बादू थापा एंड टूडे दिस प्रोडबल से यूज रे फोकिन रिएक्ट वर्जन 19 जी हाँ गाइस तो आज आजकल बहुत ही ज्यादा औसम है एंड आई होप आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि हमने फाइनली हमारा वन ऑफ द बेस्ट जो प्रोजेक्ट है यूजिंग रिएक्ट वर्जन 19 वो हमने क्रिएट की जिसमें हमने फोकी वेबसाइट बनाया था उसको मैंने आपको फ्री में एंड देन पेड में भी लाइव पोस्ट करके दिखाया एंड बाकी के प्लेस्ट को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा ऑल एट गाइस वन मोर थिंग एंड दैट इज इफ यू रिमेंबर हमने कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड फॉर्म के

अबाउट कंट्रोल्ड वर्सेज अनकट्रोल्ड ठीक है कंट्रोल देख चुके हैं आज हम देखेंगे अनकंट्रोल्ड एंड वहां पे आपका यूज रेफ़ हुक काम आता है ये जो ऑफिशियल रिएक्ट डॉट डेब है इसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा आप यहाँ पे देख सकते हो एंड लेट्स थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये यूज रेफ हुक आखिरकार क्या चीज़ है ठीक है सो ये यूज रेफ इज़ अ रिएक्ट हुक डेट लेट्स यू रेफरेंस ऑफ वैल्यू डेट्स नॉट नीडेड फॉर रेंडरिंग द बेस्ट पार्ट यही है कि ये म्यूटेड नहीं होता है ठीक है एंड सेकेंड थिंग है कि ये आपका री re रेंडर नहीं करवाता इफ़ यू रिमेंबर जब हम uh, uh, कोई भी हुक uh, यूज करते हैं लेट से यूज स्टेट हुक एंड उसमें जब उसकी जो करंट वैल्यू अपडेट होती है तो वो री re रेंडर कर देता है मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक इनफिनिट लूप होने का खतरा एंड बहुत कुछ रहता है बट होता है ना कभी ना कभी कि लाइक नहीं भाई मुझे उतना झंझट नहीं चाहिए मुझे सिंपल एक डेटा को गेट करना है इनपुट फिल्ड का पहले हम बहुत इजीली करते थे विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आइडिया डॉट यूजिंग क्वेरी सेलेक्टर्स तो वही है आपका यूज रेफ जहाँ पे कोई म्यूटेट नहीं कोई रेंडरिंग नहीं पूरा कंट्रोल अपने पास है रिएक्ट के पास नहीं है एंड यू कैन एक्सेस वैल्यू ऑफ इट्स यूजिंग यूज रेप डॉट करेंट प्रॉपर्टी अभी मैं बताता हूँ डोंट वरी एंड ये कहाँ काम आता है आपके अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट ऑब्वियसली अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स मैनेज देयर ओन स्टेट इंटरनली एंड आर टिपिकली यूज विथ रेप्स ठीक है तो ये आई होप इतना आपको पता चल गया होगा मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट हमारे वेस्को डेरी टर पर एंड लेट्स चेक इट आउट सो गैस यहाँ पे आप एक चीज बहुत क्लियर देख सकते हो दिस इज आवर कंपोनेंट्स जिसमें हमने यूज स्टेट हुक देख ली है हमने यूज़ इफेक्ट हुक देख लिया एंड इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी बना लिया तो अब यहाँ पे मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर ले जा रहा हूँ जिसका नाम होगा यूज़ रैप हुक ठीक है सो जस्ट क्लिक कीजिए गो गो विथ यूज़ रैप्स ठीक है दिस इज़ इट अब उसके अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा इंडेक्स डॉट जे एस एक्स सिम्पल चलो ठीक है इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे मैं आता हूँ सो लेट्स गो विध लेट्स क्रिएट यूज़ रैप करके कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं ठीक है एंड मेक्स्योर मैंने यू कैपिटल रखा है स्मॉल नहीं रखा क्योंकि हुक्को मैं थोड़ी कंपोनेंट बना के बैठूंगा इधर एंड लेट्स गो विथ एक्सपोर्ट एंड लेट्स गो विथ रिटर्न एंड एच वन हेलो यूज रेफ अब ऑब्वियसली मुझे ये यह यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा अब ये जो पार्ट है कॉन्टैक्ट फॉर्म को मैं हटाता हूँ यहाँ से मैं कर देता हूँ वी हैव अवज़ एंड देन रेफ परफेक्ट अब इसकी भी मुझे नीड नहीं है ठीक है एंड गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा नेक्स्ट टारगेट सेवन तो लाख सब्सक्राइबर है ठीक है बहुत मेहनत लग रही है इसमें है ना सो ऑल लाइट कंट्रोल एस सेव मैं यहाँ एक सेकेंड ये डायरेक्टली थोड़ी रन होगा एल एस कर देता हूँ ओके क्लियर सी डी यहाँ पे मैं चल देता हूँ एल एस ऑल लाइट परफेक्ट क्लियर अब मैं इसको बर्न एंड देन डेब आप चाहो तो एन पी एम रन एंड देन डेब कर सकते हो पी एन पी एम रन एंड देन डेब आपकी मर्जी ये मेरे लोकल होस्ट फाइव वन सेवन फोर फाइव वन सेवन फोर या परफेक्ट उसी पर ही रन कर रहा है तो मैं यहाँ पे चलता रहा हूँ कुछ आपको हेलो यूजरेफ दिख रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है परफेक्ट एंड देन वी हैव आवर यूज यूजरेफ यहाँ पे क्या मैं पेस्ट कर सकता हूँ ओसम awesome, कर सकता हूँ ठीक है <laughs> ये तो अच्छी बात है इसको हटा रहा हूँ इसको हटा रहा हूँ परफेक्ट यहाँ पे हम चलते हैं कंट्रोल एस सेफ क्यों ना यहाँ पे मैं उसको एक बार इम्पोर्ट करके देख लूँ क्या मिलता है मुझे है ना इंडेक्स डॉट सी एस एस वी नीड टू राइट लाइक अगर जैसे होता तो उसकी कोई नीड नहीं थी बट या yeah, इतना अगर मैं करता हूँ तो हेलो यूज परफेक्ट ऑसम अच्छा लग रहा है ये ठीक है चलो अच्छी बात है इसको मैं अब हटा रहा हूँ ठीक है सो वॉट आई विल डू मैं यहाँ पे चलता हूँ लेट्स को बी द फॉर्म ठीक है एक्शन की कोई नीड नहीं हमें इसके अंदर मैं चलता हूँ लेट्स को बी इनपुट फील्ड जिसका नाम होगा पासवर्ड ठीक है एंड लेट्स हैव वन बटन जब भी कोई उस पर करेगा सबमिट ठीक है ठीक है यार रजिस्टर कुछ भी आप लिख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है परफेक्ट इतना मेरा काम हो गया अब ऑब्वियसली मुझे यूजर ने क्या लिखा यूज़र ने अपने इनपुट फील्ड में क्या लिखा होगा वो मुझे चाहिए होगा यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड बाय द वे मैं एक काम कर देता हूँ फिलहाल अभी के लिए एक बी ले लेता हूँ एंड यहाँ पे फिलहाल के लिए एक बी ले लेता ले 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 हूँ और लट गया तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया इसको है ना अब मैं क्या चाहता हूँ कि लाइक इंस्पेक्ट पे जाऊँ मैं कंसोल पे जब भी यूज़र अपना कुछ भी लिख रहा है सबमिट करे तो मुझे डेटा मिल जाए फिलहाल ऐसा हो नहीं रहा है डिफॉल्ट ऊपर तो जा रहा है वो ठीक है तो मैं क्या कर सकता हूं देखिए सबसे पहले तो जब भी कोई फॉर्म को करेगा सबमिट तो वी हैव वन इवेंट कल फॉर्म सबमिट ठीक है जिसपे आप आपको भी लेट्स फॉर्म सबमिट ये हमने पढ़ा ऑलरेडी कन्वेंशन क्या है कैसे करना है है ना इस तरीके से एंड वन थिंग इज श्योर कि सबसे पहले यहाँ पे जो एक, uh, default behavior है एक डिफॉल्ट बिहेवियर है फॉर्म को सबमिट करने का वो हमें नहीं चाहिए सो लेट्स प्रिवेंट दैट डिफॉल्ट बिहेवियर तो ये मेरा काम हो गया ठीक है ऑलराइट ठीक है इतना मेरा काम हो गया अब मुझे एक बात बताओ यूज़र जो भी लिख रहा होता है उसको अगर हमें पाना होता हम क्या करते नॉर्मल वेनीला जास्किट में क्या ही करते हम क्या करते हम यहाँ पे चलते हैं लेट्स गो विथ कंसोल डॉट लॉग फॉर द टाइमिंग सो आपने सोचा होगा ना आपके मन में आता होगा कि डेटा तो हम ऐसे देखो यहाँ पर भी मैं आपको करके बताता हूँ गे एलिमेंट बाई आई डी एंड दैट इज योर यूज़र नेम ठीक है इतना अगर मैं करता हूँ ये देखो गाइस मुझे आ गया इनपुट आई डी यूज़र नेम आप देख सकते हो एंड बाय द वे दो बार तो ऑब्वियसली आएगा क्योंकि आपका वो चलता है वो लाइक जस्ट टू मेक श्योर कि भाई कोई एरर आप पकड़ ना लो वहाँ पे इसको एक बार करता हूँ एंड यूज़र नेम के वजह लेट्स गो विथ पासवर्ड ठीक है ना अब आप देखना है इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो नल नल आ रहा है इसको मैं एक बार कंट्रोलर सेव कर देता हूँ तब ये मेरा चलेगा तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि जो हम जावास्क्रिप्ट में करते थे वो हम यहाँ पे भी कर सकते बट रिएक्ट की जो टीम है वो रिकमेंड नहीं करती इस तरीके से डेटा को गेट करना इस तरीके से कोई भी इनपुट फील्ड का जो रेफरेंस है उसको पाना वो नहीं करते रेफरेंस का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ ये हम क्या करते थे याद है आपको हम करते थे इसको मैं इसका मैं ऑलवेज बोलता हूँ लाइक like हम इसका एक रेफरेंस ले रहे हैं लेट्स ए यूजर नेम इक्वल टू ये तो अब मैंने इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड का रेफरेंस ली एंड इसको मैंने दे दी ठीक है उसी तरीके से ये जो मेरा पार्ट है इसका इसको इसका बेसिकली जो रेफरेंस है वो मैं ले रहा हूँ एंड मैंने पासवर्ड करके मेरा जो एक कॉन्स्टेंट uh, वेरिएबल है उसको मैंने पास कर दी राइट right? अब कंसोल डॉट लॉग वी हैव आवर यूजर नेम एंड देन वी हैव आवर पासवर्ड तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ राइट right? मैं ऐसे भी कर सकता हूँ देखो यहाँ पे एक बार कंट्रोल से करना पड़ेगा तो आ जाएगा ये देखो मुझे बहुत ईजीली दोनों इनपुट फील्ड के क्या मिल गए रेफरेंस मिल गए अब मैं बहुत ईजीली यूजर नेम डॉट वैल्यू पासवर्ड डॉट वैल्यू ये मैं कर सकता हूँ राइट लाइक इनपुट फील्ड की वैल्यू को हम ऐसे तो गेट करते और कैसे करते ये देखो तो आप देख सकते हो कि गैस मैंने कुछ डेटा लिखा यहाँ पे एंड यह ये जो कंसोल वाला जो पार्ट था उसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ ठीक है अब अगर इसको मैं सबमिट करता हूँ एंड बूम गाइस सी ये देखो मुझे मेरा डेटा आ गया सो so गाइस इससे पहले हमने क्या देखा था कंट्रोल्ड फॉर्म जहाँ पे हम यूज स्टेट हुक की मदद से मैंने दिखाया मल्टीपल डेटा कैसे गेट कर सकते बट व्हेन इट कम्स टू योर लाइक दो तीन ही फॉर्म हो अगर है ना तब आप रेप्स का यूज कर सकते हो इस तरीके से एंड बाय द वे अभी तक हमने रेप्स यूज नहीं किए हमने जस्ट उसका रेफरेंस गेट की नॉर्मल एक जावास्क्रिप्ट का तरीका बट रिएक्ट बोलता है भाई इस तरीके से मत करो ना आप जावास्क्रिप्ट को ले कर अब जब आप रिएक्ट करें तो रिएक्ट किसी तरीके से करो तो इसी पार्ट को कम करने के लिए वॉट दे डीड इसको मैं कॉपी करता हूँ पेस्ट इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ कुछ डिफरेंस नहीं बस डिफरेंस होगा ये कि जहाँ पहले आपको रेफरेंस पाने के लिए इतना डॉक्यूमेंट का जो डोम को एक्सेस करना पड़ रहा था अब आपको कुछ नहीं करना बस आपको एक हुक है जिसका नाम है यूज रेफ उसको गेट uh, करना है इस तरीके से सिंपल एंड बाय द वे इट्स अ स्मॉल यूजरेफ ठीक है इसको कॉपी कीजिए एंड इसको कॉपी कीजिए दिस इज इट बस खत्म अब जब आपने इस तरीके से यूजरेफ हुक को कॉल की तो ऑब्वियसली आपको ये जो है ऊपर डिफाइन डिफाइंड तो एक सेकेंड डिफाइन नहीं हुआ कोई नहीं आपको यहां पे उसको गेट करना पड़ेगा फ्रॉम आवर रिएक्ट लाइब्रेरी ठीक है और लाइट परफेक्ट तो ये आपका हुक है जिसके अंदर अगेन आप एक इनिशियल वैल्यू दोगे फॉर द टाइम बिंग लेट्स गो विथ नल इसको भी मैं एक नल इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ ठीक है और लाइट परफेक्ट तो मैंने एक इनिशियल वैल्यू दे दी अब ये इनिशियल वैल्यू किस चीज़ को मैं दे रहा हूँ उसको दिखाने के लिए मैं जल्दी से आप लोगों के लिए एक बार सिर्फ एक यूज़र नेम का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ ठीक है इसको एक बार मैं रिफ़्रेश करूँगा एंड दिस इज़ इट यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जब आप यूज़ रेफ हुक का यूज़ करते हो देन यू विल गेट वन ऑब्जेक्ट देखो इस तरीके से यू आर गेटिंग वन ऑब्जेक्ट उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है करेंट जिसका नाम एक वॉट करेंट एंड उस करेंट प्रॉपर्टी को हमने एक वैल्यू ऑलरेडी असाइन कर रखी है डैट इज नथिंग बट योर ये वाला पार्ट डैट इज़ योर नल तो ये वो नल है जो मैंने ऑलरेडी यूजर को दी थी मैंने कहा ये उसकी इनिशियल वैल्यू होगी वो किसकी इनिशियल वैल्यू थी एक्चुअल में करंट प्रॉपर्टी की एंड ये करंट प्रॉपर्टी एग्जैक्टली क्या है इट्स एक ऑब्जेक्ट है ये तो आप जब भी यूजरेफ हुक यूज करते हो यू विल गेट वन ऑब्जेक्ट विथ वन प्रॉपर्टी कॉल करंट एंड उसकी जो भी वैल्यू की जब आप उस पैरेंथिस uh, के अंदर लिख दोगे तो वो यहाँ पे वो असाइन हो जाती है सिंपल अब ऑल राइट right, बस खत्म यही है अब हम बस मुझे क्या करना है ये जो यूजर नेम एंड देन पासवर्ड है इसका रेफरेंस मुझे यहाँ पे देना होगा मैं बोलूँगा आप एक रेफरेंस दे दीजिए किसका यूजर नेम का पासवर्ड में भी आप एक रेफरेंस दे दीजिए किसका पासवर्ड का इस तरीके से दिस इज इट खत्म मतलब कितना इजी हो गया जहां पे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई या डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऐसे करते थे टू गेट द रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी फील्ड है बाय यूजिंग दैट आईडी का नाम अब कुछ नहीं करना डायरेक्टली रेफरेंस करके ही एक एट्रीब्यूट दे दी रैप करके उसमें बस आपको वो वेरिएबल एड uh, करना है जो आप यूज रैप हुक की मदद से बनाने वाले हो अब बस खत्म अब इतना करने मात्र से इस यूजर नेम वाली जो आपका ऑब्जेक्ट है नाउ इट्स एन ऑब्जेक्ट राइट तो इसके पास वो सारी प्रॉपर्टी आ चुकी है देखो मैं आपको बताता हूँ यूजर नेम डॉट वैल्यू मैंने लिख सकता वी नीड टू एड डैट करेंट प्रॉपर्टी है ना क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वो करंट प्रॉपर्टी इस तरीके से मैंने कर दी ठीक है एंड एक बार मैं रिफ्रेश करता हूं कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड दिस इज इट तो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कुछ आपको वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है नाउ अब आपका ये जो करंट प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या हो गई है इनपुट हैश टैग यूजर नेम हैशटैग तो ऑब्वियसली आई गई यूजर नेम ठीक है वो क्यों आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट फिलहाल अब मैं इसको हटा देता हूँ तो इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा कंट्रोल कंट्रोलेसिव अब कुछ नहीं ठीक है सो आप देख सकते हो कि कैसे मैंने इस फॉर्म को फिल कर दिया एंड मैं सबमिट करता हूँ एंड दिस इज इट कितनी ईजिली इन दोनों इनपुट फिल का डेटा मुझे मिल गया बट एक कैच ये है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट एग्जैक्ट वैल्यू मुझे बेसिकली वो वैल्यू मुझे कहाँ से मिलने वाला है वो मुझे मिल रहा है इस तरीके से अच्छा ये फर्स्ट वाला ये था सेकेंड वाला ये है एंड जब भी हम इनपुट फील्ड के साथ काम करते हैं एंड उसकी अगर आपको वैल्यू चाहिए देन हम क्या करते हैं डॉट वैल्यू राइट ये प्रॉपर्टी हमें चाहिए डॉट डॉट वैल्यू खत्म बस हो गया यही है आपका यूज रेफ हुक इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ पासवर्ड कुछ भी लिखा सबमिट एंड बुम गाइस दिस इज़ इट आपका देखो यूजर नेम ने क्या डेटा फिल की थी यहाँ पे आपको मिल गया यूअर यूज़र नेम एंड देन पासवर्ड सो या गैस दिस इज इट आज इस बीडियो के लिए इतना ही आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि ये कंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या है अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या है कंट्रोल में हमने लाइक यूज स्टेट हुक की मदद से सब कुछ देख लिया आज हमने अनकंट्रोल में यूजरअप की मदद से जाना समझा अच्छा रेफरेंस है ये समझ रहे एंड उसके अंदर भी हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है करंट एंड उसके बाद तो फिर जो आप नॉर्मली कर रहे हो कर तो ये ये तरीका आप कर सकते थे बट रिएक्ट उसको रिकमेंड नहीं करता है तो उसके बदले हम यूज रैप हुक की मदद लेते हैं एंड यूज रैप हुक की मदद से कितने भी हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं आप एक वेरिएबल ही कह लीजिए एंड उसको बस आपको असाइन करना है उस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड पे एंड देन नाउ यूजर नेम डॉट करेंट फिर उसके बाद नॉर्मली जो एट्रीब्यूट को एक्सेस करना आप कर सकते हो एंड ये है आपका अनकंट्रोल क्योंकि यहाँ पे कोई आप वैल्यू पास नहीं कर रहे आप कोई ऑन चेंज एट्रीब्यूट पास नहीं कर रहे प्योर आप अपनी मर्जी से कर रहे हो खत्म है ना सो या दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना बट हाँ कल का वीडियो इंपॉर्टेंट है स्पेशल भी है क्योंकि फाइनली वर्जन नाइनटीन में जो फॉरवर्ड ड्राइव था उसको उन्होंने हटा दिया तो हटाने के बाद क्या हुआ उसके बदले हम आप डेटा को कैसे गेट करेंगे फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड एंड ऑल उस सिनेरियो में तो वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई होप आपको पता चल गया होगा सो so गैस बताना चाहूंगा प्लीज इस प्ले को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा स्पेशली ये जो दो तीन वीडियो है कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोल 47 सेवन एंड फोर्टी एट जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट टारगेट इज 7 लाख सब्सक्राइबर आई नो आप बहुत इजीली कर सकते हो एंड सोर्स कोड की आप जो बात कर रहे थे सबका सोर्स कोड ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ इवन हमारा ये बेस्ट पोकीमोन वेबसाइट ये भी मैं शेयर कर, कर चुका हूँ सोर्स कोड उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा ठीक है so, सो yeah, यहाँगा इसमें तो मैं अब आपको कल की वीडियो में डेल देंगे गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर